Nuestra defensa exclusiva si hubiese... इस धरती में उपस्थित ऐसी कुछ प्राणी है जो अपने आप को हर एक जीव से बुद्धिमान मानती है, यानी हम सब इंसानों की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन यही मनुष्य जाति ये सीख चुकी है कुछ ऐसी तकनीक जिसकी मदद से इस दुनिया को तबाह भी किया जा सकता है। बहुत समय से इंसानों ने ढाल तलवारों की मदद से या मैक्सिमम गोले बंदूकों की मदद से युद्ध लड़े, लेकिन कुछ ही वक्त के अंदर इंसान ऐसी ऐसी खतरनाक हथियार बना चुकी है कि जिसकी मदद से सिर्फ इंसान ही नहीं इस पूरे दुनिया को एक नर्क में बना सकती है। अभी तक दो बड़ी बड़ी महायुद्ध का सामना कर चुका है ये पूरी दुनिया, और उसमें से सबसे भयानक मंजर देखने को मिली है द्वितीय विश्व युद्ध में। इस विश्व युद्ध के अंतिम समयों में अमेरिकी परमाणु हथियार का तबाही देखी थी पूरी दुनिया ने। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद खासकर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपने आप को सुपर पावर साबित करने के लिए पूरे विश्व में अपनी अपनी प्रभाव विस्तार कर रही थी। इसे कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। इस दौरान बहुत से ऐसी घटनाएं घटी जिससे दुनिया को ये लग ही रहा था कि अब तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू ही होने वाला है। लेकिन इस दौरान भी जो सिचुएशन पैदा हुई थी पूरे दुनिया में, ये एक सबक था पूरे दुनिया के लिए ही। इस इवेंट को कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1962 में हुई इस मिसाइल संकट से पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की एकदम नजदीक पे पहुंच चुका था। क्यूबा के मिसाइल संकट के ये 13 दिन शीतल युद्ध की सबसे खतरनाक समय माना जाता है। 1962 के अगस्त की महीना चल रहा था। अमेरिका के पास रिपोर्ट आया कि सोवियत क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर रहा है। अमेरिका इस खबर को जानने के बाद उसके पाँव तले जमीन तो खिसकी गई, क्योंकि अमेरिका ये जानता था कि उसके ही वजह से क्यूबा के राजनीति में कितनी बुरी असर पड़ चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1952 में बतिस्ता यूएसए के सहायक में क्यूबा की प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन उनकी करप्शन और बेकार पॉलिटिकल पॉलिसीज के वजह से क्यूबा की आम नागरिक उनको सत्ता से हटा के एक रेवोल्यूशन के तहत फिदेल कास्ट्रो क्यूबा की राष्ट्रपति बन जाते हैं 1959 में। लेकिन इसमें यूएसए का जो दबदबा क्यूबा के अंदर था ना, वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। और इसमें एक बड़ी बात है कि फिदेल कास्ट्रो जो सत्ता में आए थे क्यूबा के, वो कम्युनिस्ट विचारधाराओं में यकीन रखते थे, तो इसीलिए अमेरिका इनको सत्ता से ही हटाना चाहता था। और बहुत बार तो इसीलिए ही क्यूबा में अटैक भी करवाया अमेरिका ने, और इसी कारण क्यूबा सोवियत यूनियन की तरफ झुकता गया। इसकी वजह से कैरिबियन ओशियन में स्थित अमेरिका के बहुत ही नजदीकी क्यूबा में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। क्यूबा अब अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है और सोवियत यूनियन के पास मदद की गुहार लगाती है। और इधर सोवियत यूनियन तो यही चाहता था, और मौके का फायदा उठा के सोवियत प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 1960 में ही अमेरिका दुनिया के बहुत सारे देशों में अपने न्यूक्लियर मिसाइल बेस बना रखी थी, जिसकी मदद से यूएसए अपने शत्रुओं देश को, खासकर सोवियत यूनियन को निशाना बनाया था। लेकिन तभी भी सोवियत अपनी खुद की मिसाइल बेस कभी भी किसी देश के ऊपर नहीं बनाया था। अब सोवियत के पास एक चांस था और उसी चांस का वो फायदा उठाया। लेकिन सोवियत के पड़ोसी देश तुर्की उस समय यूएसए के मित्र देश थी, और उसकी फायदा उठा के यूएसए ने सोवियत को टारगेट करते हुए तुर्की में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल बेस बना दिया। इस घटना को देखते हुए क्रुश्चेव भी अपनी मिसाइल्स क्यूबा के अंदर तैनात कर दिया, जो लगभग यूएसए से कुछ ही किलोमीटर दूरी में मौजूद था। 1962 के सितंबर के महीने में एक अमेरिकी सेना जहाज क्यूबा की समुद्र तटों में सोवियत जहाजों की फोटो खींचने में सक्षम होती है, जिसमें साफ नजर आता है कि इस सोवियत जहाजों में हथियार सप्लाई किया जा रहा है, और वो भी क्यूबा के अंदर।
क्यूबा कहां कहां मिसाइल तैनात करके रखा है ये जानने के लिए यूएसए द्वारा भेजा गया जासूसी विमानों ने क्यूबा के बहुत से इलाकों में फोटो खींचने में सक्षम होती है। ऊपर से जिस फोटो से ये साफ जाहिर हो गया कि यूएसए की दक्षिण प्रांत में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा के अंदर सोवियत की न्यूक्लियर बेस बनाई गई है। और जहां पे तैनात किया गया है न्यूक्लियर मिसाइल्स और जिसकी रेंज लगभग क्यूबा से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी से लेकर 9 और भी महत्वपूर्ण शहरों तक थी। 1962 के जून के महीने में सोवियत यूनियन क्यूबा में 24 लॉन्च पैड, 40 से ऊपर आर्चवेल रॉकेट और 45 न्यूक्लियर वॉरहेड भेजा था। इस घटना के वजह से अमेरिकी सरकार ये घोषणा करती है कि मार्किन नेवी फोर्स समुद्र तटों में क्यूबा में आने जाने वाली हर एक जहाजों को रोक के पहले निरीक्षण करेगी, उसके बाद उनको क्यूबा में पहुंचने देगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी समस्या थी क्योंकि उस समय किसी भी जहाजों को अन्य देश द्वारा रोकने के मतलब है सीधा युद्ध। और अमेरिकी सरकार की इस कारनामे को सोवियत रशिया तो एकदम अच्छी नजरों से तो नहीं देखने वाला था। निकिता क्रुश्चेव अब चिट्ठी भेजते हैं जॉन एफ केनेडी को। चिट्ठी में क्रुश्चेव ये कहते हैं कि अमेरिका खुद की नेशनल इश्यूज को क्यूबा के ऊपर थोपना चाह रहा है, जो कि बहुत ही गलत नीति अपना रहे हैं वो लोग। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि अमेरिका को कहा जा रहा है रशिया की तरफ से। बता दें ये सिचुएशन इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि दुनिया को यही लग रहा था कि कब किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। 26 अक्टूबर की दोपहर को पूरी दुनिया एक भयानक न्यूक्लियर वॉर की बहुत ही पास पहुंच चुकी थी। परमाणु हथियार से भरी हुई एक सोवियत सबमरीन अमेरिका के रेस्ट्रिक्टेड सीमाओं को पार करके क्यूबा के अंदर जाने की कोशिश की। अमेरिका ने तभी एक डेप्थ चार्ट से हमला किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस सोवियत सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर टॉर्पेडो मौजूद है। वैसे बता दूं, ये सोवियत सबमरीन समुद्र में अमेरिकी नेवी के हलचल को देखने आया था, लेकिन अमेरिका के इस हमले से सोवियत सबमरीन के जो ऑफिसर्स थे वो लोग ये सोच ही रहे थे कि शायद युद्ध तो शुरू ही हो चुका है, तो इसीलिए सबमरीन से न्यूक्लियर टॉर्पेडो को दागने की प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन उस समय ये नियम किया गया था कि सबमरीन से अटैक करने के लिए सबमरीन में जो 3 ऑफिसर्स मौजूद थे उन तीनों की सहमति होना जरूरी है, तभी टॉर्पेडो फायर हो सकता है। तो इस केस में सबमरीन के दोनों ऑफिसर्स सहमत हो जाते हैं टॉर्पेडो लॉन्च के लिए, लेकिन थर्ड ऑफिसर जो थे सेकंड हैंड कमांडो वसीली आर्किफोव ये बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से ये टॉर्पेडो लॉन्च कैंसिल हो जाती है। और जिनकी ये सटीक निर्णय की वजह से पूरी दुनिया इस खतरनाक क्राइसिस से बच जाती है, एक न्यूक्लियर हमले को टाल दिया जाता है। लेकिन अभी भी ये नाटक खत्म नहीं हुआ था। इस सबमरीन घटना के कुछ ही घंटों बाद यूएसए एक यूट्यूब जेट लॉन्च कर देता है सोवियत यूनियन की तरफ। इसके जवाब में सोवियत भी मिग फाइटर जेट लॉन्च कर देता है अमेरिका की तरफ। तो ये हो रहा था एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व की लड़ाई। तो इसी समय में क्रुश्चेव के पास एक चिट्ठी भेजता है क्यूबा के शासक फिदल कास्ट्रो, जिस चिट्ठी में वो सोवियत को साफ लिखते हैं, आप लोग कुछ करें या ना करें, अमेरिका को जवाब देने का वक्त आ चुका है। क्यूबा अब अमेरिका का नामो निशान मिटा देगा पृथ्वी से, भले ही क्यूबा रहे या ना रहे, क्यूबा का हौसला हमेशा बुलंद रहेगा, हम मिसाइल लॉन्च करने जा रहे हैं। उस समय पूरी दुनिया स्तब्ध रह गया था, पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध की लहर दौड़ गई थी। तभी यूएसए के अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ केनेडी सोवियत राष्ट्रदूत से बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जहां पहुंचे, और कुछ घंटों मीटिंग होने के बाद वो लोग ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि इटली और तुर्की से यूएसए अपनी सारे न्यूक्लियर मिसाइल बेस को हटा लेगी। दिस गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड हैज मेंटेन्ड द क्लोजेस्ट सर्वेलेंस ऑफ द सोवियत मिलिट्री बिल्डअप, और कभी भी क्यूबा में अपने शासन को थोपने की कोशिश नहीं करेगी अमेरिका। बदले में सोवियत भी अपनी मिसाइल्स को वापस कर लेगी क्यूबा से। तो इसी तरह से बातचीत और डिप्लोमेटिक तरीके से क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस की हल निकाली जाती है, जिससे ये पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर
और तृतीय विश्व युद्ध के हाथ से बच जाता है। तो आपको कैसा लगा ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की एक छोटी सी इतिहास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।